आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। लास्ट 4 दिन से हम क्लास कर रहे हैं और 4 दिन के अंदर हमने समझा कि भाई जो कॉन्शियस माइंड की पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, वीएके क्या होता है, कैसे हमारे माइंड हैग होते हैं, बहुत सारी चीजें। आज हम समझ रहे हैं कि हमारे माइंड में जो मेजर पावर है वो कॉन्शियस माइंड की है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड हमारे साथ किस तरीके से काम करता है। हमारे पास 4 चीजें होती हैं, एक होता है डर, एक होता है शक्ति, एक होती है कल्पनाएं और एक होता है विश्वास। ठीक है जी, इन 4 चीजों के ऊपर हमारी दिनचर्या चलती है, डर के ऊपर, कल्पनाओं के ऊपर, शक्तियों के ऊपर, विश्वास के ऊपर। 4 चीजों पर हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। बट हमें नहीं पता कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है उस मैकेनिज्म का हमारे साथ बिहेवियर क्या होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन के साथ होने वाले खिलवाड़ों को समझ नहीं पाते कि हमारे ब्रेन के साथ क्या खिलवाड़ होते हैं। पहला खिलवाड़ क्या हो रहा है हमारे ब्रेन के साथ, बड़ा सिंपल सा खिलवाड़ हो रहा है कि वीएके हमारा है क्या है। दूसरा क्या है कि हमें भगा दिया, किसी ने एक एजेंडा बनाया, उस एजेंडे के पीछे भगा दिया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, और हम सबकॉन्शियस माइंड के पीछे भागने लगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बचा उसमें हमने फ्यूचर में जीना शुरू कर दिया। प्रेजेंस की जगह हम फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं, तो अपना क्या? ठीक है जी, अपना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अपन कहाँ गए? अपन फंस गए। और कहाँ फंस गए कि हमें यही नहीं पता हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म सिस्टम को ऑपरेटिंग कोई और कर रहा है और हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, रोबोट की तरह प्ले कर रहे हैं उसके सामने। हमने काफी कुछ समझा और जाना, ब्रेन बहुत पावरफुल है, लेकिन अब सारी की सारी लाइफ जो आप अपने जीते हो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। तो आज के टॉपिक का नाम है द कॉन्शियस माइंड और समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड के पास इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, और ये सबसे पावरफुल चीज है। ये कल्पना शक्ति इस बात का आधार है कि हम मनुष्य हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं जीव जंतुओं में। हमारी कल्पना करने की शक्ति है, हम सोच सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और हमारी सोच का जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो कहाँ, किसके पास है, वो हमारे कॉन्शियस, हम सोचते कहाँ है, 90% हम सोचते हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर। कॉन्शियस माइंड को बारे में कहा जाता है कि एक बच्चे और माँ का अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक बच्चा है और एक माँ है, ठीक है जी, एक बच्चा है और एक माँ है, तो माँ के बिना बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, और जब तक बच्चा नहीं है तब तक वो माँ भी नहीं है। अब आप समझिए कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड है एक बच्चा और जिसकी माँ है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। पिक्चर के द्वारा एक सीन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। मामला कुछ ऐसा है कि 90% मामला कहीं और है, स्क्रीन पे देखिए, 90% मामला कहीं और है और 10% मामला कोई और है। अब चॉइस आपकी है, कोई और ऊपर बैठ के आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है जीवन की, और ये आप हो जो पानी के अंदर हो, बाहर तो आना चाहते हो बट कोई ऊपर सोफा लगा के आराम से बैठा है बड़ा बैलेंस होके। इसको बोलते हैं समाज, सोसाइटी, हैकर्स एंड आपके प्रेजेंस में जीना, कि आप प्रेजेंस में कैसे जीते हैं। अब बढ़िया है, इतना कुछ चल रहा है हमारे जीवन के अंदर तो बढ़िया है। समझो, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो कि कोई और मैनिपुलेट करे हमारी लाइफ को, कोई और हमारी जिंदगी को चलाए? हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास कल्पना शक्ति है जो उसकी सबसे पावरफुल शक्तियों में से एक मानी जाती है, कि हम सोच सकते हैं। सोच हमारे जीवन का कारण भी है और सोच हमारे जीवन का नुकसान भी है। I'm right? कि सोच के हम अपने जीवन में फायदा भी कमा सकते हैं और सोच के हम अपने जीवन में नुकसान भी कमा सकते हैं। कैसे फायदा कमाते हैं? सोच सोच के तो हम यहाँ तक आ गए, बंदर से इंसान बन गए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, महल बना दिए, न्यूक्लियर बना दिए,
अंतरिक्ष यान बना दिए, सब कुछ बना दिया, सोच की शक्ति से बना दिया, और सोच सोच के हम परेशान है, कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके साथ क्या कैसा हुआ, उसके साथ कैसा हुआ। सोच किसकी है ये डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा चील को देख के कि एक दिन मैं भी कोई उड़ने वाली चीज बनाऊंगा, और वो राइट ब्रदर्स बन गया और उसने एरोप्लेन जैसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया। एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, एक मिनट के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमारे 19 लोग बाहर हैं, आज के दिन हम छूट दे देते हैं और उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल से क्लियर हो जाएंगे, आज उनको छोड़िए। 19 लोग बाहर हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है। ओके तो, सर, बात सर, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक छोटी सी कंडीशन के साथ स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि आज एक छोटी सी कंडीशन के साथ मैं आपको दे सकता हूँ अप्रूवल, इफ यू डोंट माइंड। आप 2100 रुपए का एक डोनेशन मेरे फोन पे डाल दीजिए, बिल्कुल। आप 19 छोड़ो, 21 लोगों को ले लो। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस। आप बड़ा दिल दिखाइए उनके लिए भी और हमारे भी दिखाइए। सभी के तरफ से भाई, जितने लोग ज्वाइन हुए नए वाले, वो सभी लोग कंट्रीब्यूट करके 2100 रुपए का डोनेशन डालना पड़ेगा। आज मैं सह लेता हूँ सभी के लिए। भैया मत परेशान हुई, सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं, मत परेशान हुई, 3 लोग है मात्र, देख लीजिए। अभी 3 है, मैंने बाकी को कर दिया ना सर। 2100 रुपए 8:15 से पहले आप मुझे गूगल पे करेंगे, नहीं तो क्लास का टाइम कल इतना स्ट्रिक्ट होगा कि आपको भी एंट्री नहीं देंगे हम। चलिए कर ले, ठीक है। ओके 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 जी। तो हमारे विचारधाराएं हमारी नहीं है, कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है सभी व्यक्तियों को, और हम किसी और के विचार पे जी रहे हैं। तो समझते हैं हमारी शक्ति क्या है। उस कल्पना शक्ति ने हमें परेशान भी किया और उस कल्पना शक्ति ने हमें वो भी किया, क्या नाम है, ताकतवर भी बनाया। बट ये कल्पना शक्ति अगर मेरी है तो मैं ताकतवर बनूंगा, और ये कल्पना शक्ति किसी और की है तो मैं सिर्फ भागूंगा। कैसे? अगर कल्पना शक्ति मेरी है तो मैं किसी चीज को जन्म दूंगा, मैं किसी टेक्नोलॉजी को जन्म दूंगा, मैं कुछ क्रिएट करूंगा और मैं क्रिएटर कहलाऊंगा। अगर विचार मेरा ही नहीं है, किसी और का है, तो मैं कहूंगा मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा करना चाहता हूँ। और या फिर उसके विचार से अगर मेरा विचार मैच नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे मैं कहूंगा यह मेरे लिए संभव नहीं है, यह संभव है, ये काम मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं उस विचार को क्रिटिसाइज करूंगा। अब हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी टाइप्स की मेमोरी होती है, लाइक इमोशनल मेमोरी, ये मेमोरी, वो मेमोरी, सारी हमारे खाने के अंदर पड़ी होती है, मिस्टेरियस मेमोरी, टेम्प्रेरी मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, और आपकी टेक्निकल मेमोरी, सारी मेमोरीज अलग अलग खांचों के अंदर पड़ी होती हैं। बट वेयर इज प्रॉब्लम कि हमें कब और कहाँ किस मेमोरी के साथ डील करना है। अब 70 आवर्स लगभग 17 घंटे हम 17 आवर्स हम लगभग 17 घंटे कॉन्शियस माइंड के साथ जीते हैं, और सारे विचार कॉन्शियस माइंड में जन्म लेते हैं, और हम दौड़ते गए सबकॉन्शियस माइंड के पास, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के पास दौड़ते हैं। और हालत क्या होती है कि हम जाम हो जाते हैं। क्यों जाम हो जाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या, मतलब गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है। और गाड़ी आगे इसलिए नहीं जा रही है कि जो मेरे पास है उसकी मुझे कदर नहीं है, और मेरी निगाहें कहीं और है बस, ठीक है जी। और जहां पे निगाहें कहीं और आई, मतलब जो कॉन्शियस है उसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं, और कूद पड़ा मैं सबकॉन्शियस के मैदान में। क्योंकि आज तक सबने कहा कि कॉन्शियस माइंड ना करता है, आपके अच्छे कामों को भी ना में बदल देता है, आपको नेगेटिव थॉट देता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसके सबकॉन्शियस में आज तक पॉजिटिव थॉट आया, बताइए। कोई एक भी व्यक्ति जिसके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट आया? किसी के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं। पॉजिटिव थॉट भी आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा, क्या नाम है, और नेगेटिव थॉट भी आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा। किस थॉट को सबकॉन्शियस में प्लांट करना है, अभी ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। और अब आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप इस थ्योरी को समझेंगे कि विचार कैसे काम करता है। विचार बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे रोटी के साथ अचार काम करता है, कि आपको मसाला लगाना पड़ता है विचार को, इमोशन डालना पड़ता है विचार के साथ, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है,
विचार को आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्लांट करना होता है और विचार को ट्रेवल करवाना होता है माइंड इनटू माइंड, मतलब दिमाग से दिमाग के अंदर ही आपको अपने विचार को ट्रेवल करवाना होता है। और फिर जब वो अपने सही जगह पे आपका विचार पहुंच जाता है तो आप समझो कि उस वक्त वो विचार काम करता है। अब इस चीज को समझते हैं हाउ। एक विचार है, विचार को जन्म किसने दिया? कॉन्शियस माइंड ने। और विचार को वस्तु बनाने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है जी, विचार कॉन्शियस माइंड का ही है। माँ और बाप दो रिश्ते हैं, ठीक है। माँ क्या करती है? संस्कार देती है, जन्म देती है। और पिता क्या करता है? पालन पोषण करता है, ठीक है जी। अब कॉन्शियस माइंड जननी है, विचार देता है, और सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को वस्तु में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज द पावर। ये कम्युनिकेशन है, बट इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इन दोनों दिमागों के साथ डील करना, क्योंकि इन दोनों दिमागों के बीच में एक और दिमाग है जिसको बोलते हैं मिड माइंड, ठीक है जी। और मिड माइंड जो है वो जाने नहीं देता विचार को, वो एक स्ट्रॉन्ग दरवाजा है, इसीलिए विचार को पीछे से भेजते हैं, आगे से भेजते हैं, गोली देते हैं। इस प्रकार से हम काम करते हैं विचार के साथ, हम इस प्रकार से प्ले करते हैं अपने। क्यों करते हैं प्ले? इस वजह से प्ले करते हैं विचार के साथ हम, कि हमारा विचार किसी तरीके से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाए। उसके लिए अब क्या मेथड है? उसके लिए मेथड बहुत सारे हैं। मेडिटेशंस हैं, आपका हिप्नोथेरेपी है, आपका रेकी है, आपके एनएलपी है, आपका अफर्मेशन के सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें। और इस प्रकार से विचार को ट्रेवल करवा के सबकॉन्शियस तक भेजते हैं। लेकिन आपका कंट्रोल ऐसे विचारों पे मात्र अकॉर्डिंग टू डेटा ह्यूमन का, अपने विचार के ऊपर अगर 1000 ह्यूमंस का डेटा उठाया जाए तो 0.1% ह्यूमन का भी संपूर्ण कंट्रोल नहीं है अपने विचार के ऊपर। पता ही नहीं विचार क्या आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपके बीएके के थ्रू आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है। और आपकी मर्जी के विचार आए उसका भी रास्ता आपके पास नहीं है कि मेरी मर्जी का विचार मेरे दिमाग में कैसे आए। अब मेरी मर्जी का विचार क्या हो सकता है? मेरी मर्जी का विचार मेरा नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। और एंगर ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला, गुस्से ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि मैंने अपनी मर्जी से ही विचार को इनवाइट किया, हे भगवान इसका ऐसा हो जाए, हे भगवान उसका ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, काइंड ऑफ। और वो एंगर की बैक साइड से निकल जाएगा विचार। फ्रस्ट्रेशन नाम का पर्दा जैसे ही गिरता है आंखों के सामने, विचार पीछे से ट्रेवल कर जाता है। उस वक्त क्या होता है? स्टेट होती है ब्रेन की। और कैसी स्टेट्स होती हैं? जिन स्टेट्स में आपका विचार सहारा लेता है, प्रोटेक्शन लेयर लेता है, पीछे से भाग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर देता है। इमोशन स्टेट है माइंड की, मान लो इमोशनल है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप इमोशन कब होता है? कहते हैं आप गुस्से में होता है। जब गुस्सा कर रहा हूँ तो इमोशनल कैसे हो सकता हूँ? गुस्सा आया ही क्यों? गुस्से का रूट कॉज क्या है? कहते हैं आपने मेरे ऊपर गुस्सा क्यों किया? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर मैं आपसे प्यार ही नहीं करता तो मैं आपके ऊपर गुस्सा क्यों करूंगा? ठीक है ना, कोई वजह तो होगी गुस्सा करने की। लेकिन ये गुस्सा एक प्रकार का, गुस्सा तो कई प्रकार के हैं। अब रोड पे किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैं उससे गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं उससे प्यार थोड़ी करता हूँ। तब मैं अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ और उसने ठोक दी इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्से के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन हर कारण के पीछे रूट कॉज एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड लव। लव का इमोशन गुस्से के अंदर होता ही है। इसलिए कहते हैं कि आप मुझे याद ही नहीं करते। जी मैं आपको भूला ही कब, मुझे याद करूं? मैं तो आपको कभी भूला ही नहीं, समझ रहे हैं? तो जब आप किसी भी चीज के इमोशन की बात करोगे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट, फियर, इन सब के पीछे एक ही इमोशन होता है सिर्फ, दैट इज कॉल्ड लव। अब लव अच्छा भी है और लव बुरा भी है। ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी और नहीं खाएंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, शुगर डाउन हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। एक वर्ड आता है बैलेंसिंग, उतना खाओ जितना आप पचा सकते हो।
तो विचार भी उतने खाओ जितने आप पचा सकते हो। 70,000 विचार आ रहे हैं, एक के बारे में भी हमें नहीं पता मेरी मर्जी का है या नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं आपके खोल के बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे ओवर थिंकिंग। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, वो एक 10 mg की गोली देगा, आज से हर रोज खानी है आपको ये। इससे क्या होगा, बस आंखें बंद हो जाएंगी, शटर बंद हो जाएगा और सोए रहोगे। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन मेडिसिन। और आदमी कहाँ गया, सो रहा है। अब सो रहा है तो सब कॉन्शियस में विचार चल रहे हैं, कॉन्शियस में जा रहे हैं। विचारों के आदान प्रदान का समय क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान का कोई समय नहीं होता। जब आप थक गए और आपकी आंखें बंद हुई, या नॉर्मल लाइफ में आप मेडिटेशन के लिए भी बैठे और आपकी आंखें बंद हुई, जैसे ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो ये हमारी आंखें हैं तो ठीक है जी, दिस इज आवर आईज। जैसे ही, और ये है हमारा पीनियल ग्लैंड जिसको आप मिड माइंड कहते हो, ठीक है जी। जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हुआ, मतलब ब्रिज, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कर्टन है, ये ब्रिज है। जैसे ही आईज, ये आंखें क्लोज होती हैं, अंधेरा आता है, ऐसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और विचारों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है इस केस के बीच में। और जैसे ही आंखें खुली, अब आप आ गए कॉन्शियसनेस में। अब आपको कहते हैं, एक बात समझो, कोई व्यक्ति सो रहा है, आपने मुंह पे काला कपड़ा डाला, आए उसको थप्पड़ मार के आप भाग गए, अब वो व्यक्ति जागा एकदम से। जैसे ही वो व्यक्ति जागा, क्या वो आपको पहचान पाएगा, किसने मुझे थप्पड़ मारा, उसके ब्रेन का स्टेट क्या होगा उस टाइम, वो नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ महसूस कर पाएगा आपके थप्पड़ को और उस टच को जिसका डेटा उसके ब्रेन में है, ठीक है, कि किसका हाथ हो सकता है, किसने मुझे मारा। ये काम आपका सबकॉन्शियस कर रहा है कॉन्शियस के साथ। उस टाइम पे दोनों एक हैं तो आंखें भी खुली हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तब हुआ क्योंकि कुछ यूनिक था और सबकॉन्शियस माइंड साथ में इन्वॉल्व हो गया। अदरवाइज नॉर्मली आप सो के उठे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉन्शियसनेस में उठते हो, एकदम से आप भीतर भी नहीं जाते और एकदम से आप बाहर भी नहीं आते, एकदम से आप गहरी नींद में भी नहीं चले जाते और एकदम से आप नींद से बाहर भी नहीं आते। सुबह सुबह का एग्जांपल लीजिए, जब उठने का टाइम होता है तो मन करता है 10 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ, फिर उठ जाएंगे, और एकदम से हम गहराई में भी नहीं जाते नींद की, अल्फा में ही रहते हैं, विचारों में ही रहते हैं। तो जब आंखें बंद होती हैं तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मान लो ऐसे हैं और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, वो ब्रिज खड़ा होता है, या समझो कि पर्दा, इन दोनों के बीच में एक पर्दा उठ जाता है और विचार प्रवेश करने लग जाते हैं। अब ये टाइम दिन का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है और रात का भी हो सकता है। समटाइम्स आप बहुत गुस्से में होते हो तो आपको नींद आती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो आपको नींद आती है। जब ऐसा होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है लाओ मुझे दो कंट्रोल, और वो आपको सुला देता है, ठीक है जी। कुछ लोगों का माइंड डिवर्ट करने के लिए भूख लग जाती है आपको बहुत तेज, ऐसी भूख लगती है जबरदस्त वाली भूख, कि आदमी कहता है इसको गुस्सा आ रहा था तो खाना ही खाया जा रहा है, तो नाराज हो रहा था तो खाना ही खाया जा रहा है, वो कहता है जब मैं नाराज होता हूँ तो मुझे भूख लगती है। वो भूख नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल में आप में आपका इमोशन इतना ज्यादा है उस वक्त और आप उस इमोशन को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उस केस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डाइट डाली जाती है, आपको एनर्जाइज किया जाता है और ये काम हमारा ब्रेन करता है। अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कल्पनाएं करता रहेगा। क्या कल्पनाएं करेगा जी, एक दिन मैं ये बन जाऊंगा, एक दिन मैं वो बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। लेकिन वो कल्पनाएं क्या होती हैं, खाली होती हैं सारी कल्पनाएं। क्यों खाली होती है, क्योंकि उनके अंदर इमोशन नहीं है उन कल्पनाओं के अंदर। और बिना इमोशन के, जैसे हमने रेकी क्लास के अंदर एक बात करी, जब सेहकी को यूज करो और चौकोरे को यूज करो, हाँ, बट डिस्टेंस हीलिंग के लिए आपको हेमशोर जशन नाइन का सहारा लेना ही पड़ेगा, आई एम राइट। अब विचार को ट्रेवल करवाने के लिए आपको इमोशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, और अगर आपको इमोशन का सहारा मिल गया तो आपका विचार गया सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आप कॉन्शियस माइंड क्यों होल्ड करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की हैबिट है होल्ड करना। अगर सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार को रिजेक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसकी भी हैबिट है, क्योंकि आपका दोनों का, दोनों के ऊपर ही अपना कोई कंट्रोल नहीं है,
इस वजह से बाई नेचर आपका सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये दोनों माइंड आपके विचारों को सीधा एक्सेप्ट नहीं करते, सीधा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। अब कॉन्शियस माइंड ने कहा, सब कॉन्शियस माइंड को ध्यान से समझिएगा, भाई क्या बनना चाहते हो? मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। और साइंस कहती है कि एक विचार जो आप 200 बार बोल दोगे ना, वो वस्तु बन जाएगा, आपके सबकॉन्शियस के पास चला जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। एक बच्चा पैदा होते ही आप उसके दिमाग को प्रोग्राम कर देते हो कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और बच्चा बड़ा होके इंश्योरेंस बेच रहा होता है, कुछ और कर रहा होता है, वो नहीं कर रहा जो आपने कहा। फिर आप कहते हैं हम तो ये चाहते थे, इसने ये नहीं किया। उस बच्चे ने भी आपके कहने पे हजारों बार बोला होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके, मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसको डॉक्टर बनाया नहीं। ये कोई आदमी कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ और 200 बार बोलने से अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड सुन सकता है तो मैं एक दिन में 20,000 बार बोलूंगा तो क्या मैं अमीर बनूंगा? तभी मैं अमीर नहीं बनूंगा। फिर फायदा क्या हुआ सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? अब मान लो आप बॉस हैं और एक व्यक्ति आपकी फाइल लेके आपके पास आता है, मेरी फाइल लेके, जी आकाश जी कह रहे हैं कि मैं अमीर बनूंगा, आप क्या कहोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाउ, कैसे कैसे बनोगे अमीर? पूछोगे ना, मैं अमीर बनूंगा, अमीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनोगे? वो पूछेगा वेयर इज प्लानिंग, क्योंकि हमारे विचारों की प्लानिंग नहीं होती। हमारे पास अमीर तो बनना है लेकिन एक दिन मैं अमीर बनूंगा, वो कहता है हाँ एक दिन ये बन सकता है, लेकिन वो दिन तब होगा जब इसके पास प्लानिंग होगी। विचारों में क्या मिसिंग है? प्लानिंग। कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले क्या करवाते हैं? प्लानिंग्स, एक महीने का गोल इतना, एक साल का गोल इतना, एक हफ्ते का गोल इतना, आज कितने लोगों से मिलोगे, कल कितने लोगों से मिलोगे, ऐसे आपके टारगेट पूरे करवाते हैं। वो प्लानिंग होती है तो टारगेट अचीव होते हैं, और प्लानिंग नहीं है तो टारगेट अचीव नहीं होगा। प्लानिंग है तो टारगेट अचीव, और प्लानिंग नहीं है तो टारगेट अचीव नहीं। अगर आपके पास ही आपका बच्चा आके कहेगी मम्मी मैं करोड़पति बनूंगा, तो आप क्या कह दोगे? बन जाओ। आप कहोगे कैसे बनेगा? तो आपका माइंड को भी तो, आपका माइंड भी तो पूछता है। आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं, वो पूछेगा कैसे? मान लिया आपने अपना विचार पहुंचा दिया, तब की बात कर रही हूँ मैं, अभी विचार पहुंचा नहीं है। वो पूछा कैसे? भैया मैं आपकी सारी चीटिंग देख रहा हूँ और आपका फाइन बढ़ता चला जा रहा है, और ट्रस्ट मी, मेरा यकीन रखिएगा, मैं आज आपसे फाइन जरूर लूंगा और कल स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा क्लास के अंदर। ओके भैया, ये आपके लिए बात बोली गई है, भैया को लग रहा है क्लास का पार्ट है। भैया को मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सारी चीटिंग नोटिस की जा रही है, जो आप चीटिंग कर रहे हो ना पीछे के रास्ते से, मैं वही चीटिंग हमारा ब्रेन हमारे साथ करता है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ और वही आप लाइव कर रहे हो, ठीक है जी? आप जो एंट्री दे रहे हो ना पीछे के रास्ते से सबको, सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। सुनिए, मैं दो प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो लोग लेट आए उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर रहा हूँ कि दिस इज लास्ट वार्निंग टू यू। तो आपका पर्सनल मैटर है, हमारा रूल कल तय हो गया था तो 3100 आपका, आपके कारण मेरे को 2100 की फाइन लग चुकी है, 3100 हो चुका है, मैं गिन रहा हूँ इधर नंबर। आपने 150 का अप्रूवल लिया था, 169 हो चुके हैं। मेरा दिमाग एक जगह पे एक साथ चलता है। तो आज जो मैं नंबर लिख लिया, देखिए साधना बोत्रा जी, ममता बाकारी जी, कोई बात नहीं, वो आप अंजलि टाइप हो चुके हैं, अंकिता डायडा जी, ये सब लोगों के कारण मुझे 2100 का फाइन लगा है, आप सब लोगों से मैं वसूल लूंगा। साधना बोत्रा को तो मैंने 4 बार इन किया हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रही मुझे। चलो छोड़ो आप, हाँ आज आज लास्ट है, कल से आप लोग 7 बजे ज्वाइन होंगे, 7:01 में बंद हो जाएगी। आज नहीं होगा ना, बाकी है क्लास पे ध्यान। संगीता जैन जी भी बहुत लेट हो रही हैं, अंजलि जैन जी भी, और आईवीएस पूजा जैन, ये पूजा जैन लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको बिल्कुल भी चांस नहीं दिए जाएंगे कल। आज मैंने 2100 का फाइन सह लिया हूँ, इसके बाद नहीं। 3100 अरे और 2115 मिनट पहले था। आप कीजिए, आप अपने लेवल की चीटिंग कीजिए, हम अपने लेवल का फाइन लगाएंगे, और आई विश कि आज आप मुझे 5100 दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं जैसे पीछे से बंदों को ट्रैवल करवा रहे हैं ना, कि पता नहीं चलेगा,
ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता कि लोग पीछे से क्या काम करके चले जाते हैं, समझ रहे हैं? अपना तो एक्टिव है, मेरा भेजा तो 100% एक्टिव है, ठीक है जी? ओके, मेरा दिल थोड़ा, मेरा दिल जो है सर थोड़ा सा काइंडनेस है थोड़ी सी, इसलिए मेरे को लगता है कोई आया है तो चलिए। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी काइंडनेस बनी रहे, लेकिन उस काइंडनेस को वस्तु बना के मेरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर देना, हमारे लिए भी काइंडनेस रखना। महेंद्र पटवारी, आपको मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन कल से आपको बिल्कुल नहीं होगा, कोई रियायत नहीं। okay. आज मैं कर देता हूँ महेंद्र पटवारी। तो आगे क्या होता है कि माइंड मांगता है प्लानिंग, इस वजह से हमारी अफर्मेशन काम नहीं करती है। क्या मांग रहा है वो? प्लानिंग। अब मैंने, हमारी प्लानिंग होती नहीं है, हमें सिर्फ अमीर बनना है। क्यों अमीर बनना है? किसी ट्रेनर ने कहा कि ये बात 21 दिन बार बोलोगे, दिन में इतनी बार बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं भी मानता हूँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसे का रिजल्ट कब आएगा, ना तो गारंटी आपके पास है ना उसके पास है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवा में तीर चला दिया, या 100 प्रेग्नेंट लेडी को एक साथ मैंने आशीर्वाद दे दिया कि सबका लड़का होगा, तो 50 का तो हो गई। मानते हैं आप इस बात को? 50 का लड़का हो गई, तो किसी किसी का तुक्का चल जाता है, किसी का नहीं। और कोई इमोशनल होकर जब उस अफर्मेशन को देता है तो वो अफर्मेशन काम करती है, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले सीखो कि कॉन्शियस को कैसे कन्विंस करना है। कॉन्शियस पता है कब कन्विंस होता है? कॉन्शियस कन्विंस होता है आपकी बॉडी की लैंग्वेज के साथ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई है आपकी सिक्स सेंस के साथ। मान लो मुझे एक ऑफिस खोलना है, तो कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? ऑफिस कैसे खोलोगे? ठीक है नी, मेरे को एक ऑफिस खोलना है। सबसे पहले दिमाग में चाहिए प्लानिंग, ऑफिस किस लोकेशन पे होना चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, मेरा बिजनेस क्या होना चाहिए। ये 7-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। मेरी ये प्लानिंग होगी, उससे रिलेटेड 10 रिसर्च कर ली। जैसे ही आपने 10 रिसर्च कर ली ना, आप समझो काम हो गया। दैट टाइम यू विल बी फ्लाई। आपको बताने की जरूरत ही नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपको परमिशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्शियस को ऐसा डेटा दे दिया जिसमें यूनिकनेस है। आपने 4 लोगों को फोन कर दिया कि मुझे ऑफिस की लोकेशन चाहिए, 99acres.com पे आप ऑफिस की पिक्चर्स देख रहे हो, पिक्चर्स का डेटा जा रहा है आपके ब्रेन के अंदर। और दूसरा, आपने कभी कहा कि मेरा विचार मेरी मर्जी से आई? अगर सबकॉन्शियस माइंड को कोई स्ट्रॉन्ग विचार देना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग विचार यही है कि मेरे ब्रेन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही एंटर करते हैं, मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही एंटर करते हैं। अगर कुछ आपको प्लांट करना है पीछे के रास्ते से, तो ये प्लांट कीजिए। उसके बाद जब आपके कॉन्शियस माइंड की बात आती है, तो कॉन्शियस माइंड बड़ा स्मार्ट होता है। कॉन्शियस माइंड ही आपको ना करवाएगा, क्योंकि आज तक उसको नहीं पता कि अभी आप सिस्टम में ट्रेंड हो गए हो, अब आप सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहते हो। कॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका बच्चा मोटरसाइकिल चलाने सीखा, तो वो कूद रहा है कभी इधर कभी उधर, कब मौका मिले, कब चाबी मिले एक मिनट के लिए और मैं लेके भाग जाऊं। देखा होगा आपने घरों में ऐसा होता ही है, बच्चा साइकिल चलाने सीखे, स्कूटर चलाना सीखे, गाड़ी चलानी सीखे, उसको एक मौका चाहिए होता है। और वो मोमेंट होती है, उस बच्चे से कोई भी काम करवा लो, बस चाबी फेंको, कोई भी काम करेगा उस टाइम पे। उसको वो चीज चाहिए, उसके अंदर उसका इमोशन जुड़ा हुआ है, सिक्स सेंस जुड़ी हुई है, वो उस चीज के पीछे भागता है। लेकिन हम नहीं देते, हम डरते हैं, नहीं नहीं चोट लग जाएगी, ऐसे मत चलाओ, वैसे नहीं चलाओ, अभी तुम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुए हो, अकेले नहीं जाओगे, काइंड ऑफ चीजें हम बच्चे के साथ करते हैं वहां पे। अब ऐसा ही हमारा कॉन्शियस माइंड भी हमारे साथ करता है। क्यों करता है हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे साथ ऐसा? नहीं नहीं अभी मत ये सब प्लानिंग करो, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है, मार्केट में वैसा चल रहा है, आप नहीं कर पाओगे, ये होगा वो होगा, एक आधा एक्सीडेंट दिखा देगा सामने, किसी कोई दिवालिया हुआ आदमी दिखा देगा आपको उसी बिजनेस के अंदर, गेम ओवर। आप कहोगे कि ये तो काम नहीं करती प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग होती है जिद की। आपको जिद करनी आनी चाहिए, और आपको जिद के साथ ये प्रूफ करना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा, 13-14 का बच्चा होगा, और बच्चा और बच्चे की मम्मी में बड़ा फर्क था। बच्चा मेरे जैसा था और मम्मी बच्चे से 6 गुना होगी कम से कम साइज में, और वो दोनों
स्कूटी पे जा रहे, मेरे को मिला और मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा कि इतने छोटे बच्चे से आप स्कूटी चलवा रहे हो, इसका तो 25,000 रुपए का चलान हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं मेरे को बिठा के चला लेता है, बहुत अच्छी स्कूटी चलाता है। हाँ मैंने देखा है इसको, तो मतलब उनको पीछे बैठ के कॉन्फिडेंस आ गया कि इसने मेरे को संभाल लिया तो मतलब ये चला लेगा। ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमें अपने माइंड को देना है कि नहीं, मैं अपने विचारों को संभाल सकता हूँ और प्रॉपर तरीके से संभाल सकता हूँ, फ्लक्चुएशन कम होगी। अब दोबारा वो बच्चा अकेला स्कूटी लेके निकल सकता है, मम्मी को चिंता तो तब भी होगी लेकिन मम्मी की चिंता थोड़ी सी पहले से कम होगी। और फिर जब बार बार वो बच्चा स्कूटी लेके जाएगा और बार बार टाइम से घर आएगा तो मम्मी की चिंता खत्म, इसको तो चलानी आती है। और ऐसा हमारी मम्मियों ने भी किया होगा सबकी, हमारे साथ जितने भी क्लास में मेल है उनको समझते होंगे इस बात को कि स्कूटी गाड़ी कुछ भी हम चलाते थे बचपन में, तो ये बिहेवियर हमारे साथ भी होता था और ये बिहेवियर हमारे माइंड का भी होता है। जब तक हमारा बच्चा हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करवाता जिद करके, तब तक हम उसकी बात का यकीन नहीं करते। और जब तक हम अपने माइंड को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि मैं विचारों के साथ काम कर सकता हूँ, तब तक वो भी हमें नहीं देगा। आप समझिए कि ये पूरी हायरार्की है, ईश्वर ने पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में हमें तैयार करके दी है, लेकिन हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, इस वजह से हम फंस जाते हैं। दूसरी चीज, आपने दे दिया कॉन्फिडेंस बच्चे को, जैसे ही आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस, अपने ब्रेन को कॉन्फिडेंस दिया, विचार फिर भी आएगा लेकिन अब उसका जो आपके ऊपर डोमिनेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। मेरे दिमाग में मेरी मर्जी के ही विचार आते हैं और मैं मल्टीटास्किंग व्यक्ति हूं, मुझे पता है कौन से विचार रखने और कौन से डिलीट करने हैं। ये यकीन हमें अपने माइंड तक पहुंचाना है, सबकॉन्शियस माइंड तक। अब कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर क्या रहेगा, कॉन्शियस माइंड को आप समझिए माँ, वो आपका बुरा नहीं चाहता। दुनिया भर के लोग ये कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड आपका बुरा चाहता है, कैसे बुरा चाह सकता है? अगर आप राइट हैंड से बहुत अच्छा लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते उतना अच्छा, डजंट मीन कि आपका लेफ्ट हैंड खराब है। और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देंगे तो क्या पता आप राइट हैंड से भी अच्छा लिखने लगे, हाथ तो दोनों आपके ही है ना। तो जो ट्रेनर्स, जो लोग ये बात बोलते हैं कि कॉन्शियस माइंड ऐसा, कॉन्शियस माइंड वैसा, मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि माइंड तो मेरा ही है, मेरा बुरा कैसे चाहेगा? अब अगर मेरे हाथ पे सुई भी लगती है तो मेरा कॉन्शियस माइंड ही तो सबकॉन्शियस तक डेटा पहुंचाता है तुरंत, किस व्यक्ति को पेन क्रिएट करो, दर्द हो रहा है मेडिकल फैसिलिटी दो। मेरा कॉन्शियस माइंड ही तो मुझे भूख लगना और बाकी सब चीजें दिखाना कि ये खा लो वो खा लो सिखाता है। जब कभी बहुत जोर की भूख लगी होगी ना तो सिर्फ ढाबे ढाबे दिखाएगा वो आपको, दूसरी कोई चीज नहीं दिखाएगा। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप देखते होंगे ट्रैवलिंग के अंदर ऐसी घटनाएं होती है, वॉशरूम जाना होगा ना तो सिर्फ वो आपको शौचालय दिखाएगा, और गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी चाहिए होगी तो सिर्फ वही दिखाएगा। वो भी आपकी भलाई चाहता है और वो चाहता है कि वट एवर यू आर डिमांडिंग यू विल गेट। बट भ्रम इतना है मार्केट के अंदर कि बस सबकॉन्शियस। अब अलादीन और चिराग की कहानी बड़ी चलती है माइंड के साथ कि जी सबकॉन्शियस जिन है और अलादीन के पास चिराग था। भाई सिंपल सी बात समझिए, अगर आप अलादीन और चिराग की कहानी भी सुनाते हैं तो कहानी का ट्विस्ट क्या है कि जिन तो 1,000 साल का था और अलादीन 23 साल का था। ठीक है जी, तो भैया जिन तो बहुत पहले से ही था ना जिन का अस्तित्व, तो लेकिन बिना अलादीन के तो आगे नहीं बढ़ पाया ना, बिना अलादीन के तो जिन भी सही रास्ते पे नहीं आया और बिना अलादीन के तो जिन आजाद भी नहीं हुआ। तो बिना हमारे कॉन्शियस माइंड के रगड़े हम अपने सबकॉन्शियस नाम के जिन से तो सारा काम नहीं करवा सकते, और सबकॉन्शियस तो सदा से ही है हमारे साथ। उसकी बेहतरीन पावर को यूज करने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड के साथ संपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस माइंड को संपूर्ण तरीके से अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड के प्रति आपको अपने सारे भ्रम निपटाने होंगे और कॉन्शियस माइंड के प्रति आपको अपने अंदर जागरण करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई त्याग करता है ना आपके लिए तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। अगर कोई आपके लिए इमरजेंसी क्रिएट करके आपके काम जल्दी करवाता है तो वो भी आपका कॉन्शियस माइंड है। और हम सारा क्रेडिट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। यस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बेस्ट बडी होता है,
बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना समझ है, तर्क नहीं करता वो, कभी भी उसने तर्क नहीं किया। अगर आपने कहा मर जाओ तो कहेगा मर जाओ। अब वो जिन था जो अलादीन के पास, वो जिन को जादूगर के पास गया तो जादूगर ने कहा अलादीन को मार दो, तो अलादीन को ही मारने के लिए भाग गया। वो तो अलादीन का दिमाग था कि उसने दोबारा चिराग छीन लिया, नहीं तो जिन तो उसको मारने के लिए निकल चुका था ना। और अगर अब आपके हाथ में है कि आपको अपने चिराग के साथ कैसी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, आपका कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, इसी वजह से हम बचते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आई ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्लानिंग देता है, गाड़ी का कलर, रोड पे आपको वही गाड़ियां नजर आएंगी उस टाइम पे जो आपको पसंद आई। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। 10-12 दिन पहले किसी दोस्त ने बताया कि मैंने किया नाम की कोई किया गाड़ी ली है। मैंने कहा ये कौन सी कार है, मैंने देखी नहीं ना, मैंने उसके बारे में सुना। तो कह रहा अच्छा, मेरे दिमाग में 2-3 बार उसका नाम आया। मैंने कहा ये कौन सी कार है, तो मैंने सुना नहीं इसके बारे में। और मैं रोड पे निकला तो मुझे उस दिन से किया ही किया नजर आ रही है, उससे पहले मुझे वो दिखाई ही नहीं दी। वो इतना पावरफुल है कि वो देता है आपको सब कुछ, और सबकॉन्शियस से पहले देता है, प्रेजेंस में देता है। बट हम किस मिथ्या में आ गए, हम शॉर्टकट में भाग रहे हैं। और शॉर्टकट का मतलब क्या है, तुक्का चलेगा सिर्फ, गारंटी नहीं है। और तुक्का लग गया तो सब कुछ है, तुक्का नहीं चला तो कुछ भी नहीं है। और इससे भी बड़ी एक और चीज है हमारे दिमाग के पास कि सब कॉन्शियस माइंड तर्क नहीं कर सकता, इसीलिए कॉन्शियस माइंड विचार को पकड़ के रखता है। बताओ आपके लिए बुरा के भला, आपने कहा मेरे को बुखार लग रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड ये जो कहता थर्मामीटर से चेक कर लो, दूसरा विचार देता है। यदि सामने वाला व्यक्ति कोई पास बैठा है तो वहां पे ब्रेन वेव्स छोड़ेगा, वो हाथ देखेगा नहीं बुखार तो नहीं लग रहा, बुखार तो नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड को कहो कि मुझे बुखार है, और कौन सा बुखार है ये भी बोलो, मलेरिया है, ये है, वो है, वही करके देगा। चाहे आप ऐसे स्थान में बैठे हो जहां मच्छर आ ही नहीं सकता, लेकिन वो मलेरिया का सिम्टम्स क्रिएट कर देगा। वो सोचता ही नहीं, उसको अमल करना है बस। और कॉन्शियस माइंड को क्या करना है, ऑर्डर करना है। और ये बड़ी खासियत है इसकी कि इससे ऑर्डर कैसे करवाना है आपको, कॉन्शियस आप ही हैं, और कॉन्शियस से ऑर्डर कैसे करवाना है उसके लिए आपको क्या करना है ये आपको देखना है। ठीक है, इतना आसान है कॉन्शियस से ऑर्डर करवाना, यू कांट इवन इमेजिन। अभी दिक्कत क्या है कि जो मेरा है वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरा नहीं है उससे मैं प्यार नहीं करता। जब माँ बाप जिंदा थे तब टाइम नहीं था, और चले गए तो सिराद करते घूम रहे हैं लोग, फिर पितृदोष की पूजा भी करवा रहे हैं, फिर उनके नाम का खाना गायों को भी खिला रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। जिंदा की सेवा करो ना। जब हमारा माइंड हमारे साथ है और हमें सब कुछ दे सकता है तब उसकी पूछ करो माइंड की। आप सबकॉन्शियस के पास जा रहे हो और कॉन्शियस को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे हो, केवल कॉन्शियस के बारे में अपने नेगेटिव इमेज ऐसे बना लिया है कि ये माइंड तो ना ही करेगा हर चीज के अंदर, वो तो हाँ करेगा, तो उसके पास चलते हैं। एग्रीड। बट ये ऐसी हजारों चीजें जो आप अपने दिन के अंदर बोलते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ये उसकी ना भी तो कितनी पॉजिटिव है आपके लिए, दैट इज योर ब्रेन ना, तो इसकी ना कितनी पॉजिटिव है हमारे लिए, और इसकी ना के अंदर कितना दम है कि आपको रोकता है। अब कोई खर्चीला आदमी हो, आंखें सिक्स सेंस है, उसने कोई चीज देखी अच्छा मैं खरीद लूं, कॉन्शियस तर्क करेगा भैया कितने की है, इतने की है, नहीं इतने की नहीं हो सकती, बार्गेनिंग करवाएगा आपसे वहां पे। ये कॉन्शियस का काम है, सब कॉन्शियस को नहीं पता आप क्या खरीद रहे हो, कॉन्शियस में खरीद रहे हो आप, कॉन्शियस आपसे वहां पे बार्गेनिंग करवाएगा, और आपकी बार्गेनिंग करने की क्षमता कितनी है ये सब कॉन्शियस माइंड को पता है। वो सब कॉन्शियस सिर्फ ऑर्डर करेगा कि चाहिए तो इसी रेट में चाहिए, ये प्लानिंग तैयार करवाता है। और इसकी तैयार करवाने की प्लानिंग को तैयार करके ये ऑर्डर करता है। जब आप प्लानिंग के साथ किसी चीज को ऑर्डर करोगे तो सब कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करेगा, ये प्रोग्राम बनाता है माइंड के अंदर पूरा का पूरा, और प्रोग्राम बना के प्रोसेस करता है। और अभी वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रोग्राम पे अमल करता है, करने दो। ठीक है, आप बोलो कि मेरे को अपने 100वां बर्थडे ऐसे मनाना है, इतने लोग होंगे, ये होगा वो होगा, आपने दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेटा। सबकॉन्शियस माइंड को ये भी नहीं पता कि आप 100 साल तक जियोगे या नहीं, वो केक की दुकान आज ही बुक कर देगा,
कहाँ से केक आएगा, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, वो अपने काम पे लगा रहेगा, वो जिन है, और ये क्या है, अलादीन है। ध्यान से समझना, कॉन्शियस माइंड सारी मेमोरीज के साथ एक साथ डील करता है, सब कॉन्शियस माइंड सारी मेमोरी के साथ एक साथ डील नहीं करता, जितनी जरूरत होती है उतने के साथ वो डील करता है। आई एम नॉट सेइंग कि सबकॉन्शियस बेकार है, सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, बट मेरा एक पर्सनल मानना है कॉन्शियस इज मोर देन पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अगर मेरे पास कोई बहुत बढ़िया चीज है और मुझे वो चीज चलानी ही नहीं आती तो क्या फायदा। आप लोगों सब लोग आप यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे अगर आपको अपनी वीडियो बना के नहीं डालनी आती तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ देख सकते हो यूट्यूब, अपनी वीडियो बना के तो नहीं डाल सकते ना, लेकिन यूट्यूब के पास तो ये ऑप्शन हमेशा ही खुला है कि आप बना के डाल दो, वो आपको सीखना पड़ेगा। और हमारा कॉन्शियस माइंड हमें यही ट्रेनिंग देता है कि सबकॉन्शियस को क्या ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, ये समझो। जिस दिन आप अपना भरोसा अपने कॉन्शियस माइंड को दे दोगे, उस दिन आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ कर देगा प्रॉपर तरीके से, उस दिन के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना है, आपको फ्री करना है अपने माइंड को। कितना फ्री करना है, इतना फ्री करना है कि आपका माइंड सोचे ही ना ज्यादा चीजों के बारे में। तो अभी हम एक डिफरेंट चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है जी, कि कोई ऐसी चीज समझो, रैंडम डेक नाम का एक कीड़ा आता है, रैंडम डेक नाम का एक कीड़ा आता है, सब सोच रहे हैं कीड़ा कौन सा होता है भाई, ये हमारे दिमाग का कीड़ा होता है, ठीक है जी। ऐसा कोई कीड़ा होता ही नहीं, ठीक है, कीड़ा तो पाया जाता है अमरूद के अंदर, जब अमरूद पेड़ पे लगा होता है तो अमरूद के अंदर एक कीड़ा होता है, देखा होगा आपने अमरूद के अंदर कीड़ा होता है। ओके, अब देखो मैंने आपसे दो शब्द डिस्कस किए, रैंडम डेक और अमरूद के अंदर कीड़ा। एक चीज वो है जिसका डेटा आपके पास था ही नहीं, और एक चीज वो जिसका डेटा आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है, जिसका डेटा मौजूद है उसकी पिक्चर भी आपके ब्रेन में आ गई, सब कुछ आ गया, और जिसका डेटा मौजूद नहीं है उसके लिए हम सोचने पड़ गए कि ये क्या है। बस यही है इन दोनों माइंड का आपस में बिहेवियर, जिसका डेटा होगा ना ब्रेन के अंदर उसको सबकॉन्शियस इमीडिएट रिस्पोंड करेगा, और जिसका डेटा नहीं होगा उसको रिस्पोंड नहीं करेगा। और हम जब कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है तो उसके पास ये डेटा नहीं है कि हम कितने अमीर हैं पहले से, वो कहेगा इसकी जेब में तो एक रुपया नहीं, और बात कर रहे जैकमा बनने की, कैसे होगा, नहीं हो सकता, विचार रिजेक्ट, कॉन्शियस ही नहीं रिजेक्ट कर देता है। 1000 बार भी अगर आप ये परमिशन दे दो ना मैं अमीर हूं, 1 करोड़ बार भी दे दो तो भी आपका कॉन्शियस माइंड आगे नहीं जान देता, ये इसकी पावर है। और एक बार कह दो कि जितने मैं आज कमाता हूं उससे 8 गुना मैं कमाऊंगा विद इन 6 मंथ, इमीडिएट विचार प्रोसेस से स्टेयर्स दी ना आपने उसको, जितने मैं आज कमाता हूं, आज मैं कितने कमाता हूं इसका डेटा मेरे माइंड के पास है, और वो रिएक्शन देगा। अब आप कह रहे हो अमीर है वो ना कर नहीं सकता, हाँ करने नहीं दे रहा, मतलब वो ना हाँ कर रहा है और सबकॉन्शियस उसको यस भी कर देगा, तो उसकी यस का कोई महत्व नहीं है, उसकी यस का मीनिंग समझो, उसने कहा अजीत जैन जी अमीर है, वो कहेगा हाँ अजीत जैन जी अमीर है, अजीत जैन जी ने कहा मैं अमीर हूँ, उसने कहा अमीर हूँ, अमीर है, अमीर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वो नोटों में अमीर नहीं है, दिल से अमीर है, वो किसी और बात से अमीर है, सोच से अमीर है, वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन आप अमीर हैं। मैं अमीर बनूंगा इस बात पे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड यकीन नहीं करता कि आप अमीर बनोगे, वो कहता है हाँ आप अमीर बनोगे, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो कहता हाँ आप अमीर बनोगे लेकिन इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में, क्योंकि मुझे और आपको तो साथ ही रहना, बॉडी तो अलग होगी, मैं तो साथ ही रहूंगा। डिजायर्स किस में है, कॉन्शियस में, और डिजायर फुलफिल का होती है सबकॉन्शियस में। अब आप समझो कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उस दिन की डेट और टाइम तो आपके पास भी नहीं है, आपका बेटा आईएएस बनेगा उस दिन का डेटा तो आपके पास भी नहीं है, इसलिए आपके भी दिल टूट जाते हैं कि हमारे बच्चे ने कहा था और ये हुआ नहीं।
प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग कैसे देनी है, वी ए के थ्रू देनी है प्लानिंग। हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा रास्ता बनेगा, वी ए के, और प्लानिंग देते हुए हमें किस अवस्था में रहना है, अर्ध जागृत अवस्था में, ना तो हम सो रहे हैं ना हम जाग रहे हैं, एक अर्ध जागृत अवस्था में हमें पूरी की पूरी प्लानिंग देनी है। कैसे एक विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कॉन्शियस माइंड की होती है, और कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ बात कर सकते हो, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। अब आप और आपका कॉन्शियस माइंड अलग अलग व्यक्ति हैं, इस बात को समझ जाना, आप दोनों एक नहीं है। आज तक वो अकेला था, ठीक है, अभी आपको पता लग रहा है कि आप दोनों सेपरेट है, और तीन रास्ते बनते हैं आपके ब्रेन के अंदर, कॉन्शियस, मिड माइंड, सबकॉन्शियस, उसके ऊपर सुपर कॉन्शियस, उसके ऊपर अल्ट्रा कॉन्शियस, वो आगे की स्टेज है, बहुत आगे जाके डिस्कस करेंगे हम, प्रेजेंस में आते हैं। कॉमन ह्यूमन बीइंग के पास कॉन्शियस ही नहीं है, कॉमन ह्यूमन बीइंग के पास बात करते हैं, जो कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच नहीं सकता वो सबकॉन्शियस का क्या यूज करेगा, और ऐसे आदमी को सबकॉन्शियस दिया भी नहीं जाएगा, ईश्वर चिराग भी उसको देगा जो चिराग को यूज करना जानता है। और जिसको सड़क पे पैसा मिले पड़ा हुआ और वो आदमी कह दे कि हे भगवान, ये पैसा तो हराम का, ये पैसा तो मुझे नहीं चाहिए, तो ईश्वर कहे मैंने सिर्फ तेरे लिए गिराया था, तू इसको हराम का बोल के चला गया। जिसको कदर नहीं उसके पास सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं और कॉन्शियस माइंड भी नहीं, और जिसको कदर हो गई वो अल्ट्रा तक भी जाएगा, सुपर तक भी जाएगा। अब कदर कैसे करनी है, सबसे पहले एक मिथ्या निकाल दीजिएगा, क्योंकि वी ए के अंदर ये मिथ्या आता है, पूरा यूट्यूब पूरा गूगल इस बात से भरा हुआ है कि भैया कॉन्शियस माइंड भटकाता है, लेकिन आप स्वयं से सवाल कीजिए, क्या कॉन्शियस माइंड भटकाता है? कॉन्शियस माइंड तो हमें बचाता है, हर मोमेंट पे बचाता है। और आज से कभी हमें अपने ब्रेन को ये भी नहीं कहना कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करता हूँ, नो, हम हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा माइंड है, इट मींस ही इज अवर बॉडी, वो हमारा बॉडी है। 139 से 176 हर नंबर पे 100 रुपए मैं आपके खाते में डाल रहा हूँ भैया, जोड़ते रहना आज रात को, ठीक है जी? तो वो हमारा क्या है, बेस्ट बॉडी, कर लीजिए आपको जो करना है, मेरी बारी क्लास के बाद आएगी। देखिए आप लोग आकाश भैया के जो पेनाल्टी मेरे ऊपर लग रही है आप लोग सब ध्यान दे रहे होंगे, तो मैं एक बार से दो मिनट में आकाश भैया को रेस्ट मिलेगा। साधना जी, ममता काकरिया, स्नेहल चोरडिया, सरिता डाडा, तनिष्का जैन, अर्चना वलाई, डाली जैन, पल्लवी जैन, शशि जैन, रंजना दोषी, प्रोभु, 3,700 रुपए, मीनू जैन, बीबो, रिद्धि, श्वेता, माया, हेमंत, महावीर जी अजमेरा, मधु सिंह जी भोपाल, इन सब और कल्पना लूनावत, सबसे 100 रुपए में भी मैं तो डबल करूंगा साहब, मैं आपको 3700 दूंगा तो कम से कम मैं 5400 रुपए वसूल करूंगा। तो चलिए आकाश जी को सुनेंगे, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि कल से आप लोग लेट नहीं होंगे, आज मैंने रिस्क लिया है, कल मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, 7 बजे के बाद मैं भी स्टार्ट करके रख दीजिए, ज्वाइन होके वीडियो बंद करने की तो फैसिलिटी आपके पास है ना, बंद करना चालू करना है, जब आप फ्री हो जाए तो वीडियो ऑन करके सुन लीजिए, ठीक है? तो आप चलेंगे आकाश भैया से, वो देखिए वो फिर से चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको भेज दिया है आज मैं आपको बख्शने के मूड में हुई नहीं, पेटीएम भी भेज दिए सर, बिल्कुल आज आपको बख्शना ही नहीं है, मतलब कैसे भी करके नहीं तो सर ये हम और सपना आधे आधे करेंगे ना, मैं क्यों मैं तो 6:30 से ज्वाइन हूं, शांत रहिए, जब रूल बना था सपना मैडम तब क्लास में ही थे, थैंक यू भैया, और वैसे भी मैं उनको सिस्टर बोलता हूँ तो मैं उनकी साइड ही खड़ा हूँ, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो कॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती कैसे करें, एक तो हमेशा बोलना है एक शब्द कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। अगर कोई पूछे ना कि हाउ टू स्टार्ट टॉक विद माइंड, अपने दिमाग के साथ बात करना स्टार्ट कैसे करूं और इसका इफेक्ट कैसे देखूं,
ठीक है, सिर्फ एक ही अफर्मेशन होती है पहले की, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं और पॉजिटिव चीजें सोचनी शुरू कर दो। जब आपने ऐसा कहा ना पहली बार कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, तब वो ना नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। और यहीं से देख लेना कि आपकी जर्नी सिर्फ इस अफर्मेशन को बोलने मात्र से, और ये अफर्मेशन सब कॉन्शियस के लिए नहीं है, ये कॉन्शियस के लिए है, क्योंकि सारे विचार कॉन्शियस के पास आते हैं। 70,000 विचार आते हैं, 70,000 विचारों में अगर आपने कह दिया कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, तो कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कल की एक्सरसाइज आपकी वो है, क्या नाम, होमवर्क है ये आपका, कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, सिर्फ इतना ही बोलना है। और नोटिस करना है बोलने के बाद कि आपके दिमाग में विचार कैसा आ रहा है। आई कैन बेट यू, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार ही आएगा। लेकिन ये अफर्मेशन कितने टाइम के लिए मैटर करेगी? मात्र 6 मिनट के लिए। हर 6 मिनट में फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, क्योंकि आपको उसको ट्रेनिंग देनी है, फिर चाबी मांगनी है, फिर ड्राइव करनी है, फिर चाबी मांगनी है, फिर ड्राइव करनी है, ठीक है जी। और बार 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 यही शब्द हमें बोलना है कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। और रात को सोने से पहले भी लगातार इस बात को हमें बोलना है। इससे होगा क्या, दिमाग के अंदर ना एक विचार आपने भर दिया, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, इस शब्द की गणना करो जरा, कितनी बार बोला आपने? आपने बोल दिया मान लो एक दिन में मिनिमम 500 बार मान लेते हैं, इतना तो कोई भी आदमी आसानी से बोल सकता है। बोलने का मतलब मन में भी सोच लिया, 500 बार सोच लिया। अब 70,000 में से 500 घट गए, और उस 500 में ये पॉजिटिव विचार में काउंट हो रहा है, विचार आपका मतलब प्लांटेड विचार है, आप स्वयं से प्लांट कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। और रात को सोते हुए आप इस विचार को बोल रहे हो, तो ये आपके माइंड से क्रॉस होकर कहाँ जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड को तो कोई लेना देना नहीं है इस बात से, वो तो सिर्फ एक ही बात कहेगा, यस आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। जैसा ही इसने ये बोला, आपके सारे मसल्स के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा बॉडी के। दैट टाइम आप ये क्लेम कर सकते हो कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। सिर्फ इतना ही बोलना है आपको कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार। मतलब लिमिटलेस एडवांस एनएलपी के अंदर हमने रात को 3 बजे तक चिल्ला चिल्ला के ये वाली अफर्मेशन दी थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। और जितनी बार आप बोल दोगे, उतनी बार आपका ब्रेन इस बात, वो विचार आपका हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरे विचार आते हैं, जैसे पॉजिटिव इवेंट सोचो दिन में एक आधा, कि मेरे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं क्या घटी, बुरी तो सबको नजर आती है, अच्छी ढूंढो। जैसे आज के दिन की घटना का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे जीवन में अच्छी घटना क्या है, मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को क्या गोल दिया और उस गोल का क्या रिजल्ट आएगा। मैंने गोल दिया कि लेट पे फाइनल आएंगे, 4,000 रुपये प्लानिंग हो गई कि पर व्यक्ति 100 रुपये प्लानिंग भी दे दी उसको, पेटीएम कोड भेजना था तो मैंने उसको विचार को वस्तु बना के आगे भी ट्रेवल करवा दिया ब्रेन के अंदर। अब थोड़ी देर के अंदर क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बताओ मेरा विचार पावरफुल है कि नहीं है, है ना पावरफुल? एग्जाम्पल से ही शेयर कर रहे हैं, मेरा विचार पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ। अब होता क्या है कि हम कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं सभी, हम कोई वो नहीं है कि कोई मोटिवेशनल क्लास ले रहे हैं, वी आर डूइंग ए इंटरनेशनल लेवल कोर्स। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स के कुछ नियम होंगे, कोर्स का कुछ कंटेंट होगा। अगर इसमें एक स्टूडेंट अपनी मर्जी चलाएगा कि भाई मैं 9:30 बजे नहीं आऊंगा जी, मैं 10 बजे आऊंगा, तो कोई बात नहीं, एक आधा दिन चल जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। चाहे आप जॉब करते हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये नियम हमारे लिए लागू होता है। बट सिलेबस कंप्लीट करवाना टीचर की जिम्मेवारी होती है, और सिलेबस को अटेंड करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है। मैं हूँ यहाँ पे आपका सेवक, ठीक है जी। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि कोर्स आप तक पूरे तरीके से पहुंचे, कोर्स को आप पूरे तरीके से अटेंड करें। इसके पीछे खराब इंटेंशन नहीं है कि हमें ऑडियंस चाहिए, मेरा तो नुकसान, मेरी दूसरी क्लास में भी नुकसान है, इस क्लास में भी नुकसान है कि कल रात को मैंने इतने क्रिटिज्म वाले मैसेज पढ़े अपने फोन के अंदर, 170 लोग बाहर थे क्लास से, इतना क्रिटिज्म उन्होंने किया कि जैसे ऐसा लगा कि एक साल की मेहनत खराब हो गई।
कि आपने हमें एंट्री नहीं दी, आपके अंदर ईगो आ गया, आपके अंदर घमंड आ गया, हम नहीं आएंगे जूम पे, काइंड ऑफ फर्क नहीं पड़ता मुझे उस चीज से, फर्क नहीं पड़ता। मैं एक कोर्स करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो कोर्स आपके पास तरीके से बने और आपका ब्रेन जो है ना वो लर्निंग एटीट्यूड के अंदर एंट्री करे क्लास के अंदर। और अगर एटीट्यूड लर्निंग नहीं है तो फिर वो कोर्स चाहे आप 10 बार अटेंड कर लो वो मैटर नहीं करता। कहते वेयर देयर इज विल देयर इज वे। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड की क्लासेस लेते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ जी आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, कहते जी हमने यूट्यूब से सीखा। वो मेहनत तो करी है ना उन्होंने यूट्यूब से, किसी ने वीडियो डाली और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सुनी टुकड़ों में अलग अलग लोगों से सुनी। कोई कहता है जी मैंने ये चीज यूट्यूब से सीखी, कोई कहता है मैंने ये चीज सीखी। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट ट्रेनर ऑफ यूट्यूब, बहुत है अच्छे अच्छे ट्रेनर से, अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं, हमें सबको सुनना चाहिए। बट एक आदमी तो ढूंढ ढूंढ के उन तक पहुंचता है और एक व्यक्ति जो है जिसको सब कुछ मिल रहा है वो उस चीज को अपने एटीट्यूड से चलता है। अगर आपका बच्चा स्कूल में आपको ये एटीट्यूड दिखाए, मेरी जगह पे आके देखना आप लोग, आपका बच्चा अगर स्कूल में आपको ये एटीट्यूड दिखाए कि जी मैं तो क्लास में 10:30 बजे आऊंगा, मास्टर कहे कि टाइम 10 बजे का है, तो आपको कैसा लगेगा उस केस के अंदर? इस क्लास में हमने नियम सिर्फ इसलिए बनाया है कि कोर्स आपके साथ पहुंचे, आपके ब्रेन की एक अटेंशन हो कि भाई मेरे को ये काम करना है और इतने बजे करना है और ये मेरी इमरजेंसी है, तब आपका जो एटीट्यूड है ना ब्रेन का वो लर्निंग एटीट्यूड में आएगा और आप इसका फायदा ले पाओगे। नहीं तो क्या फायदा? हम देखो आपकी जर्नी हो सकती है कि आपको सारी उम्र सीखना है, बट मेरी ऐसी जर्नी नहीं है कि मेरे को सारी उम्र सिखाना है। मुझे सारी उम्र सिखाना है लेकिन सिर्फ आपको नहीं सिखाना, लाखों को सिखाना है। और आई वॉन्ट कि आप सब जल्दी जल्दी सीख के हमारे साथ उस जर्नी में शामिल हो कि आप भी सिखाना शुरू करें। क्या है कि विनय भैया, अर्चना दीदी, इनके फोन पे इतने सारे कॉल्स आते हैं, बिजी रहते हैं पूरा दिन, आप इनका हाथ नहीं बटाओगे क्या? आप बोलो कि आज एक क्लास मैं कंटेंट कर लेता हूँ, एक क्लास मैं कर देता हूँ, एक कोर्स लॉन्च कर दो मैं उठा लेता हूँ। लेकिन वो तब होगा जब हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा क्लासेस के प्रति और हम सेल्फ जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। और पहली जिम्मेदारी तो यही है ना हमारी कि हम लोग पॉजिटिव रूप से डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को लाएं। और एनएलपी जैसा कोर्स डिसिप्लिन में सीखा जाता है। एनएलपी की क्लासेस का एक एग्जांपल दे दूं, छोटे मोटे ट्रेनर्स का तो पता नहीं, लेकिन 9:30 का मतलब होता है 9:29 पे क्लास स्टार्ट और गेट लॉक। 5,000 पे भी फाइन रखते हैं ट्रेनर एनएलपी के अंदर, 5,000 रुपीज, और फिर भी ये कहते हैं कि क्लास एक बार रिपीट कर लेना, आपका 5 मिनट का टॉपिक छूट गया था। इतना मतलब हाई लेवल कोर्स माना जाता है ये। और आप कोर्स कर रहे हैं, आप कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सर्टिफिकेट के लिए क्लास के अंदर सीरियस हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट कि इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है, यू मस्ट टेक, मतलब आपको लेनी ही लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों लेनी चाहिए? आपने पिछली बात बिल्कुल सही बोला सर, जिस दिन इन लोग ये समझ जाएंगे कि क्लास नहीं है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग और क्लास या सेशन में अंतर समझिए। बहुत परफेक्ट चीज आज आकाश सर ने बोले हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करिए आप क्लास और ट्रेनिंग। इट इज ट्रेनिंग क्लास, ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो आप ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के एटीट्यूड से करिए, ट्रेनिंग के हिसाब से रिस्पेक्ट दीजिए। क्लास नहीं, सेशन और क्लास होते हैं, उसमें आप जब आए तब चले जाएंगे, कोई बात नहीं पड़ती। ये ट्रेनिंग है, आपको सीखना है, लर्निंग कोर्स है। इसलिए आपको चेंज कर लीजिए कंप्लीटली, और चेंज ही दिखाता है कि क्या बदला मेरे सराउंडिंग। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक बदलेगा नहीं। क्यों मैं आपको एनएलपी के सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा हूँ? अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी आपको फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पर। आपको बता देता हूँ, आज की डेट में जितनी आबादी है 45% आबादी का डिप्रेशन फेस कर रहा है, 45% लोग बीमारियों से परेशान हैं। और आप 45% का मतलब समझते हैं कितना बड़ा क्लाइंट है आपके पास, वो कहीं नहीं जाने वाले। आज से 15 साल बाद आप देखना एलोपैथिक मेडिसिन कितनी डाउन होगी और थॉट मेडिसिन कितनी अप होगी आज से 15 साल के बाद। और उस टाइम पे समाज को जरूरत होगी तो आप जैसे लोगों की होगी, और आपका ये सर्टिफिकेट उस टाइम पे आपकी पहचान बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ यू मस्ट टेक दिस क्लास सीरियसली, और सर्टिफिकेट भी आप लोग जरूर लीजिएगा। उसके पीछे का सिर्फ यही साइंस है कि
आपको रेकी का सर्टिफिकेट मिले ना मिले कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनएलपी जैसी क्लास का सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं आप साइकोलॉजिकली, और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए आप भगवान होते हो उस वक्त पे, ठीक है जी। तो अभी क्या करना है, कॉन्शियस माइंड से ट्रेवल करना सीखना है। कॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेवल कैसे करवाना है, तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेवल करने और प्रैक्टिकल करना, ठीक है, कैसे अपने ब्रेन के अंदर से किसी मेमोरी को इरेज करना और कैसे अपने ब्रेन के अंदर किसी मेमोरी को प्लांट करना, ये सीखेंगे हम कल की क्लास के अंदर। कल से एनएलपी के अंदर प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो जाएंगी, अभी सब कुछ थ्योरी थ्योरी चल रही थी, मतलब कल से हम एनएलपी के अंदर प्रैक्टिकल चीजों में आ जाएंगे। तो दो चीजें आप समझ के चलिएगा जो जरूरी है। नंबर वन, एनएलपी की कोई भी प्रैक्टिस सिटिंग पोजीशन में नहीं होती है, मतलब बैठ के नहीं होती है, सारी की सारी प्रैक्टिसेस एनएलपी की और मेडिटेशन खड़े होके होते हैं, एक आध को छोड़ के मतलब, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों से मेरी विनती रहेगी, या तो आपके पास ब्लूटूथ वाले फोन होने चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए, हैंड फ्री होने चाहिए, और आपके पास एक चेयर होनी चाहिए कमरे के अंदर, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं एक आधे जो खड़े नहीं हो सकते तो वो कोई बात नहीं, वो बैठ के कर लीजिएगा, बैठने से भी अच्छा लेट के कर लीजिएगा, संपूर्ण तरीके से बैठ के मत कीजिएगा। एनएलपी की सारी एक्सरसाइज स्टैंड अप पोजीशंस के अंदर होती हैं, जिसका मतलब होता है कि यहाँ विचार डाला और यहाँ उतारा, मतलब ये करना है, इधर डालेंगे और इधर डाउनलोड करेंगे साथ के साथ। तो सभी को इस चीज के लिए वो रहना है, और कंफर्टेबल क्लोथ आप लोगों को डालने, कंफर्टेबल क्लोथ मतलब बहुत टाइट जीन्स वींस डाल के आप एनएलपी की प्रैक्टिस में कंफर्टेबल नहीं होंगे, कंफर्टेबल क्लोथ आप लोगों को डालने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है सारी प्रैक्टिसेस। और एनएलपी की प्रैक्टिसेस के अंदर आप कैमरा ऑन रखेंगे, कैमरा ऑन रखने के साथ साथ आप लोग ताकत का भी यूज करेंगे, मतलब जो कोई अफर्मेशन बोल रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जब क्लास खत्म हो तो सर में दर्द हो जाए उस टाइम तक हमारे, मतलब वो अफर्मेशन उतारनी है हमें बॉडी टू ब्रेन, ठीक है जी। अभी लाइट आएंगी सारी की सारी, लास्ट में आएंगी हमारी पास्ट वाली चीजें, अभी सब कुछ लाइट होगा। और खड़े करके क्यों करवाते हैं एनएलपी क्लास, उसकी साइंस बताता हूँ। एक तो पूरा न्यूरॉन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन करना होता है हमें पूरी बॉडी के साथ, एक एक ऑर्गन के साथ। दूसरा और इम्पोर्टेंट, खड़े होके हम बंदर से इंसान बने, घोड़े से नहीं बने, तो हम खड़े होके सोते नहीं है, झूमते हैं सिर्फ। खड़े होके जो आपको नींद आती है ना, उस नींद को बोला जाता है अर्ध जागृत मन, आधे चेतन अवस्था में और आधे अवचेतन मन के अंदर झूमते हैं हम, मतलब खड़ा आप खड़े नहीं हो सकते प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कोई आंख बंद करके खड़ा करवाता है तो बहुत ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं होते, आपको नींद आती है, ठीक है जी। और जब आपको वो नींद आती है तो आपकी जो स्टेट है ब्रेन की वो चेंज हो जाती है, और वो स्टेट ही चेंज करना हमारा मकसद होता है आपको खड़े करने के पीछे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करना है, तो स्टैंड अप पोजीशन के अंदर करना है। और जो व्यक्ति नहीं कर सकते वो लेट के करें, लेकिन जो लेट के भी करें उसमें भी हम लिमिटेड केसेस को अलाउ करेंगे, जिनका कोई मेडिकल इश्यूज होगा या हेल्थ का इश्यूज होगा सिर्फ उनको अलाउ करेंगे। और बाकी व्यक्तियों से मेरी विनती रहेगी आप खड़े होके ही ये मेडिटेशन करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनएलपी इंजॉय करवाती है, स्ट्रेस को बाहर करती है। तो जब भी आप क्लास करें तो विनय भैया की तरह स्माइल करते रहें, या मेरी तरह कर लें, मैं भी अच्छी स्माइल कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो हमें स्माइल करते रहना है और साथ के साथ एनएलपी की एक्सरसाइजेस को इंजॉय करना है। ट्रस्ट मी, मोस्ट पावरफुल कोर्स है ये एनएलपी। अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने कोर्स किए हैं, बट साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर मोस्ट पावरफुल कोर्स है, जिसके रिजल्ट्स आदमी को देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम एनएलपी में, रहेंगे हम 2022 चल रहा है तो 22 और 23 की मतलब नवंबर दिसंबर तक जाएंगे। दिसंबर में तो हम दोबारा एनएलपी करेंगे, तो नवंबर तक ही हम एनएलपी का कोर्स करेंगे, और नवंबर के बाद हम एनएलपी का कोर्स नया करेंगे। तो इट बिटवीन आपको रिजल्ट आ चुके होंगे आपकी हेल्थ पे और आपकी वेल्थ पे, और जो भी आप पे कोई रुके हुए काम होंगे उनके ऊपर, इतना काम करता है हमारे साथ एनएलपी। तो सभी से विनती रहेगी कि प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा, कल से प्रैक्टिकल हम शुरू कर रहे हैं। तीन रूल जो आपको फॉलो करने हैं, मैं दीदी को भी बोलूंगा कि आपको स्पेशल डाल दें मैसेज के अंदर। रूल नंबर एक, कि आपके पास हेडफोन होना चाहिए या फिर आप कंफर्टेबली खड़े हो जाएं, आपको मेरा साउंड आना चाहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए आपका वीडियो ऑन रहे ताकि हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। कंफर्टेबल क्लोथ, क्लास शुरू होने से पहले
वॉशरूम ब्रेक आप ले लीजिए क्लास शुरू होने से पहले, आप ये मान के चलिए 6:45 पे क्लास स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम पानी पी लीजिए, मतलब ब्रेन का जो फूड है वो वाटर है, तो जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पी लीजिए, और एक वॉशरूम ब्रेक भी पहले ही ले लीजिए ताकि आपको यूरिन प्रेशर ना हो क्लास के अंदर, और उसके अलावा आप खड़े होकर कंफर्टेबली मेडिटेशन कर सकें, तब आप इस मेडिटेशन का मजा लेंगे। और मजा क्या लेंगे कि आपके ब्रेन का भूगोल चेंज होने वाला है कि अब से सपने भी वही आएंगे जो आप चाहेंगे, मतलब सपने भी आपको वैसे ही आएंगे, और रात को जब उठोगे ना तो दिमाग के अंदर कोई भय ड्रीम या कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा होगा, और दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी, दैट इज कॉल्ड योर प्लानिंग, योर अफर्मेशंस एंड योर मतलब जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो चल रही होगी और सबकॉन्शियस के अंदर प्रोसेस हो रही होंगी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को क्लास के अंदर, और बहुत ताकत के साथ, मतलब मैं सैटरडे संडे क्लास नहीं लूंगा लेकिन आपको होमवर्क जबरदस्त दूंगा कि आपको खाली नहीं रहना सैटरडे संडे को भी, आपके पास होमवर्क होगा, और होमवर्क की भी हमने एक छोटी सी कंडीशन बनाई है, जो एनएलपी का एक हम एक कम्बाइंड ग्रुप बनाएंगे, कल 7 बजे क्लास लोग करेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालेंगे 7 बजे शाम को, ठीक, जो व्यक्ति 7 बजे तक एंटर करेगा उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करेगा, और 8 बजे मतलब 7:07 पे हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी डिसेबल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद उस ग्रुप में भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं, आपको 15 मिनट की प्रैक्टिस बोलेंगे तो 15 मिनट की प्रैक्टिस आपको रिकॉर्ड करनी है और उसके अंदर डालनी है ग्रुप के अंदर, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम आपकी प्रैक्टिस को मॉनिटरिंग कर सकें, और आपकी प्रैक्टिस अगर मॉनिटरिंग होंगी ना तब आपको रिजल्ट आएगा। इस कोर्स को करवाने का मकसद एक ही है कि आप लोगों की जिंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव हो, और जो मिशन IVS और यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन मिलकर ले रहे हैं वो फुलफिल हो, आप लोगों को, आप लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आए। तो कल 6:59 पे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा क्लास के अंदर, मैं 6:59 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, 7 बजे क्लास लॉक हो जाएगी, और अगर कल विनय भैया ने किसी की भी फेवर की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विनय भैया पे 500 रुपए पर्सन के हिसाब से फाइन लूंगा, परसों फेवर लेंगे तो 1000 रुपए पर्सन, इनका फाइन बढ़ता चला जाएगा। देखिए मैंने फार्म का लिंक डाल दिया है, फार्म का लिंक डाल दिया है, लास्ट मैसेज देख लीजिए आप चैट बॉक्स में, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि जब तक मैं अपना कंटेंट कंप्लीट करता हूं 2 मिनट का बचा तब तक आप मेरी पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी। 3800 से 37 थे दीदी ने देखे थे कितने थे, वो आप कृपया करके जल्दी से प्रोसेस करवा दीजिए ताकि क्लास को दिखा सकूं मैं कि विनय भैया बड़े ईमानदार हैं, सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते मुझसे भी प्यार करते हैं, मुझे भी बोलना, ठीक है जी। तो सभी लोग देख लीजिए अब मुझे कल, यदि आज मैं फाइन भर दूंगा लेकिन कल ना लगे इस बात की आप लोग सिक्योरिटी रखे, 7 बजे 175 पार्टिसिपेंट यहाँ पे दिखना चाहिए भैया, 300 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट यस वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन सभी व्यक्तियों के लिए, मेरे लिए भी है आपके लिए भी है, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो, और आप देखना आप एनएलपी सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, एनएलपी आपको रेकी टैरो कार्ड रीडिंग या दूसरा कोई भी आप काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये ऐसी थेरेपी है कि जब कोई आपसे बात करने आता है ना तो कहते हैं कि आपके शब्दों का सहारा ही उसके लिए बहुत है, आपने जब उसको प्रॉब्लम के रूट को उस पर ले गए ना तो व्यक्ति उस टाइम पे आपका है, और आपकी थेरेपीज बहुत ज्यादा काम करने वाली आने वाले वक्त में। तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा, तो सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विनय भैया खास आशीर्वाद दीजिएगा।